अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो आज आप सबके लिए मैंने चिकन 65 की रेसिपी बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल बनता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी से मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आप हर वीडियो मेरी सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को एंड तक देखिए और मेरी रेसिपी बनाएं और एंजॉय करिए। आपको अगर बहुत मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चिकन 65 की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 65 बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और चिकन को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और कट करके मैंने इसको अच्छी तरह से धो के साफ करके इसका पानी अच्छे से छान लिया है। और अब इसमें हम मैरिनेट करने का इंग्रेडिएंट्स इसी में हम मिला देंगे। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी और इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड करें। और इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून मैंने लिया है। और अब इसमें दही जाएगा, दही मैं 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। और इसमें एग वाइट मैं यूज़ करूँगी। अब पूरी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करते हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब इसमें हम मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। तो मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैदा ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के हम और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स कर लिया है हमने, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल मैंने रख दिया था गैस पे। गैस का फ्लेम एकदम से हाई है और ऑयल जो है एकदम से हीट हो गया है हमारा। अब हम एक एक चिकन को उठा के इस तरह से डालते जाएंगे। चिकन डाल लिया है हमने, फ्लेम को हमने हाई ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। गैस का फ्लेम इसी हाई फ्लेम में और हीट ऑयल में हमको इसको एकदम से डीप फ्राई करना है। तो मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। तो देखिए चिकन जो है एकदम से अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। और बाकी का चिकन है उसको भी मैं इसी तरह से हाई फ्लेम में डीप फ्राई करके निकाल लेती हूँ। चिकन हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। फिर से मैंने उसी कढ़ाई पे ऑयल डाल, वही ऑयल जो ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया था मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे हम। ऑयल को गर्म होने देते हैं अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून एकदम चॉप किए हुए लहसुन और 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक। अब उसी में डालेंगे ग्रीन चिली, 4 ग्रीन चिली को मैंने इस तरह से बीच से चीरा लगा लिया है और थोड़े करी पत्ते यानी कि करी लीव्स। अब हम इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू स्लो में रखा हुआ है। अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ फूड कलर, जिसको मैंने पानी में इस तरह से डाल के मिक्स करके रखा हुआ है।
आप अगर कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 टीस्पून पानी डाल दें ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप कलर डालेंगे तो आपकी जो चिकन 65 है वो बहुत ही रिच और कलरफुल दिखने लगेगी, तो इसीलिए मैंने इसमें कलर डाल दिया। तो अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालूंगी नींबू का रस। मैंने एक बड़े साइज का नींबू लिया है, अब इसको मैं इसी में ही डाल दूंगी। नींबू का रस डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा नमक। नींबू का रस डालने के बाद ये नमक थोड़ा हल्का कम हो जाता है, तो इसीलिए मैंने नमक इसमें ऐड करा। आप अपने हिसाब से ही हमेशा नमक ऐड करें। तो देखिए 65 जो है चिकन 65 हमारी बन के रेडी है, एकदम से मज़ेदार और आसान तरीके से मैंने बताया आपको बनाना। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी चिकन 65 बन के रेडी है। तो देखिए मज़ेदार सी चिकन 65 की रेसिपी बन के तैयार है। आप ज़रूर 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 ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी चिकन 65 की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ इसी तरह के अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।